वो तो वहां भी साइन कराता था, वापिस ले लेता। अब अकाउंट हमारी वापिस ले लेता है। मजदूर तो इतना कमजोर है, उनके हाथ तो कटे हुए हैं, वो क्या कर सकता है? अगर नहीं पैसा देगा तो अगले महीने से जा रही अपने घर। आज के टाइम में एक मजदूर एक है, एक वर्कर दो से या तीन ड्यूटी कर रहा है एक। पूरे देश में ऐसी यही हाल है। 2-3 करोड़ तो नौकरी, मैं खुद डबल ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिंगल हूँ। 10,000 में क्या होगा सर? इनका लाख लाख में नहीं भर रहा? ये अफसर लाख लाख रुपए सैलरी लेके भी हमारा पैसा खा रहे हैं। हम बताएं हम 10,000 में कैसे घर चला लेंगे? भाड़ा किराया सब कुछ लगा के यहाँ तक आते हैं, हम भी मजबूर हैं, डबल ड्यूटी कर रहे हैं। जगह सिंगल में अगर हमें सब पैसा मिल जाए बढ़िया पूरा मिनिमम वेज, हम क्यों डबल करेंगे? हम अपने बच्चों के पास हम अपना टाइम नहीं देंगे? जब हम सुबह अपने घर से निकलते बच्चे सोए रहते, और जब पहुंचते जब सोए मिलते, हम तो अपने बच्चों को भी नहीं देख पाते। क्या उनको पढ़ाएं, क्या लिखाएं? इन लोगों ने तो सर इतना अत्याचार किया है हमारे ऊपर। जितने भी सीपीडब्ल्यूडी के अफसर है ना, हम एससी तक, एससी के पास तक हम चले गए अपनी शिकायत लेकर। सर हमारे को इतना पैसा दे रहा है, बोल रहा है कि करना है करो, नहीं तो जाओ। वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सब मिले हुए ऊपर से नीचे तक। इतना बुरा हाल है सर, मेरी हाथ जोड़ के विनती है पूरे भारत देशवासियों से, इस वीडियो को इतनी वायरल करो, जरूर मोदी के पास तक जाए। मोदी एक अच्छा आदमी है, लड़ रहा है दिन रात, लेकिन इन कीड़ों को कौन संभाले? इन कीड़ों का क्या होगा? ठेकेदार पर थमे, अच्छे रूल लागू किए जाएं। हम नहीं कह रहे कि हमें सरकारी कर दो, ये सब सरकारी नहीं करो, पर रूल रेगुलेशन जो है इन्हें संविधान में इनको चेंज किया जाए, बदला जाए, और लेबर के कोई अच्छा सा संविधान बनाया जाए जिसमें वो अपने हक के लिए लड़ सके। ये कोर्ट कचहरी में तो लाखों केस चल रहे हैं, हमारे साथ के कितने बंदों के केस चल रहे हैं, अब लोग तक कोई सलूशन नहीं है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती सर, ये भ्रष्टाचारी अफसरों को सर जरूर सजा मिलनी चाहिए। हमारे देश में सर इसी भ्रष्टाचार, ये शोषण जो अंग्रेजों ने किया था, उसके लिए ही तो हमारे देश के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कितने लोगों ने फांसी